जटेपुर उत्तरी वार्ड नंबर 22 में पिछले कई दिनों से हुए जल जमाव के विरोध में रविवार को स्थानीय नागरिकों ने हुमायूंपुर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना के बाद मौके पर पहुंची मुकामी पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर समाप्त कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड में सफाई न होने के कारण नाली का पानी सड़क पर फैला हुआ है। सड़क पर पानी फैलने से लोगों का राह चलना दूभर हो गया है। जलजमाव से संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार वो नगर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और मजबूर होकर आज चक्का जाम करना पड़ा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय नागरिक अजय यादव ने बताया, इधर रास्ता जल की सब कब्जा रहा है, यहाँ से लेकर सब घर नाली के दोनों तरफ रोड है। इसलिए जाम हुआ था, ये जाम जटेपुर उत्तरी का वार्ड का पूरा जितना भी नाला है, नालियाँ हैं, वो सारी नालियाँ एकदम पूरी भरी पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे जो ठेकेदार है, जो सफाई कर्मी का ठेकेदार है, वह 150-150 रुपये पे यहाँ पे कर्मचारी को रखा हुआ भी 10-7 कर्मचारी का भी काम करने आते हैं, कोई समय पर काम नहीं होता है। अब पूरा जल जमाव पड़ा हुआ है, लोग पानी में आने जाने मजबूर हैं। कहाँ कहाँ है जाम? जाम ये आप प्रगति स्कूल के पास जाएंगे तो वहाँ पे घरों के बाहर पानी, हरिजन बस्ती में पूरा पूरा गली पानी से लथपथ है और यहाँ पे सुअरों का जमावड़ा है। इतनी गंदगी है कि जीना दुश्वार हो गया है। हम लोगों ने कई बार अर्जियाँ दी नगर निगम में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में हम लोग को ये चक्का जाम करना पड़ा।